पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर से 2012 में पास किया सर। उसके बाद सर मैंने लीप एंट्री से बीटेक में एडमिशन लिया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर में, और सर 2015 में मैंने बीटेक पास किया सर। उसके बाद सर मैंने 2015 में ही बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी फोर्स एज ए सिविल इंस्पेक्टर जूनियर इंजीनियर मैंने ज्वाइन किया सर। और बेसिक ट्रेनिंग के बाद सर मुझे डेपुटेशन पे नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स वेस्ट बंगाल में काम करने का मौका मिला, और पिछले 6 साल से सर मैं वेस्ट बंगाल में कार्यरत हूँ सर। मतलब आपने 10th के बाद डिप्लोमा में एडमिशन किया? जी सर। उसके बाद आपने बीटेक में एडमिशन? जी सर। क्या लगता है कहीं ना कहीं ये सही है, या आप अपने जो टाइम है उसको वेस्ट किया आपने डिप्लोमा करके, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? आप डायरेक्ट 12th करके भी जा सकते हैं बीटेक जी, क्यों आपने डिप्लोमा का रास्ता चुना? सर मैं टाइम वेस्ट तो नहीं बोलूँगा सर, मुझे लगता है कि मेरी अच्छी मतलब एक अप्रोच थी सर, कि मैंने 10वीं के बाद से ही डिप्लोमा मतलब मैंने किया, ताकि मैं एज ए सर मैं जॉब सिक्योर करना चाहता था, ताकि मैं एज ए जूनियर इंजीनियर कहीं पे काम कर सकूँ। तो सर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में डिप्लोमा करने का मौका मिला सर, और डिप्लोमा एक काफ़ी अच्छा 3 साल का कोर्स है, जिसमें कि मतलब हम बेसिक्स जो हैं इंजीनियरिंग के, जो प्रैक्टिकल अप्रोच हमारी, उस पर हम ध्यान देते हैं। 11th 12th ना करके डिप्लोमा करना? जी सर। ये किस हद तक सही है? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, पूछने का तात्पर्य ये है कि आप किसी को गाइड करें, जैसे मैं हूँ, मैंने 10th किया है। जी सर। तो आप मुझे क्या गाइड करेंगे, 11th 12th गाइड करेंगे या फिर आप डिप्लोमा गाइड करेंगे? बट ऑब्वियसली आप डिप्लोमा गाइड करेंगे, आपने किया है, तो मुझे आप क्या तथ्य देंगे कि कैसे डिप्लोमा करना ज़्यादा उपयोगी है अगर हम बात करें 11th 12th कंपेरिजन? जी सर। सर मैं इसमें बताना चाहूँगा कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा सर। जैसे कि वैसे हम देखें कि अगर किसी का हायर एजुकेशन करना है, या फिर मतलब उसका बैकग्राउंड अच्छा है सर, इसके हम इस वे में भी देख सकते हैं, तो मैं उसको बोलूँगा कि आप 12th करिए, उसके बाद आप बीटेक में आइए, तो या फिर 12th के बाद सर आजकल डिप्लोमा में सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल रहा है सर। बाकी सर अगर कोई अपने आप को जल्दी सिक्योर करना चाहता है, उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, मीडियम बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, तो सर मैं उसको बोलूँगा कि 10th के बाद वो डिप्लोमा कर सकता है सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। यू आर ऑलरेडी इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? जी सर। BRO में हैं आप, और आप RPSC में AN बनना चाहते हैं? जी सर। यू आर ऑलरेडी इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब? जी सर। सो कहीं ना कहीं एक बात सुन में आती है सर, यहाँ पे AN का पोस्ट है। जी सर। इसलिए आप आना? जी सर। कुछ और रीजन आप स्टेट गवर्नमेंट आना चाहते हैं सर, इसके अलावा AN के अलावा? जी सर। प्रमुख सर मैं 2 कारण यहाँ पे AN के बताना चाहूँगा सर, कि एक तो सर मैं वहाँ पे डिप्लोमा मेरा जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया वहाँ पे रिक्रूटमेंट का, वो डिप्लोमा बेसिस पे है, तो सर मैंने जैसे कि बीटेक कर रखा है, तो मुझे लगा सर वहाँ पे जॉब करते हुए मुझे एहसास हुआ कि मेरे में ज़्यादा पोटेंशियल है और मैं कर सकता हूँ, तो मैंने टाइम का यूटिलाइज़ किया और सर मैंने इस एग्ज़ाम में मैं अपीयर हुआ सर। उसके बाद सर दूसरा कारण ये भी है कि सर हायर पे एंड पक्स हैं, तो मैं शुरू से ही सर करियर सेंटर्ड था, तो मैं फोकस था सर अपनी पढ़ाई को लेकर, और सर मैं यहाँ पर आना चाहूँगा। RPSC में आ चाहते थे? जी सर। आपने एप्लीकेशन फॉर्म दिया और कहीं ना कहीं आपका फ्री और पेंस क्लियर हुआ है? जी सर। और आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस दी है PWD को दिया? जी सर। जी सर। और सबसे लास्ट दिया है WRDA को? जी सर। कुछ इसका विशेष कारण कि पोस्ट प्रेफरेंस सबसे पहले PWD देना, सबसे लास्ट WRDA को देना? सर मैं 3 कारण बताना चाहूँगा सर। सर पहला कारण तो यही है कि सर PWD भरने का, कि सर मेरे जो एकेडमिक्स हैं सर, उसमें मैं जैसे देखता हूँ सर, तो मेरे सर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में स्पेशली हाईवे में शुरू से ही अच्छे मार्क्स रहे हैं सर। इसका एक कारण ये भी है कि मैं जिस जहाँ मेरी परवरिश हुई है सर, वहाँ पे बांध और नदी नहर और इस तरह का वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, लेकिन मैं बचपन से ही सर रोड और इस तरह की जो बिल्डिंग है, इस तरह की चीज़ें मैं देखता हूँ, तो सर मेरे को मेरे जो मैं अच्छे से इमेजिन कर पा रहा था और मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं सर, तो मैं शुरू से इंटरेस्टेड था इसमें, तो पहला कारण सर मेरा ये है। उसके बाद आई थिंक मालाराम, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। आप जब डिपार्टमेंट जाएंगे, आप देखेंगे काम कैसे हो रहा है, तो आपको लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जी सर। तो इंटरेस्ट है, इट्स ओके। जी सर। और कुछ रीज़न आपके दिमाग में? सर एक पहला, दूसरा सर कारण मैं बताना चाहूँगा सर, कि PWD जो है एक मतलब हमें ब्रॉड एनवायरनमेंट देता है काम करने का, कि हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, जैसे कि मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, बिल्डिंग, ब्रिज और उनका रिपेयर, मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन, ये कर सकते हैं। बाकी सर एक मेरा स्पेशल है कि मैं सर जो रोड एक्सीडेंट्स में होने वाली जो डेथ्स हैं सर, मैं उन पे सर काम करना चाहता हूँ कि मैं उनको कम करने में मेरी सहभागिता निभा पाऊँ। कैसे सर? इसके लिए मैं 2 अप्रोच मेरी रहेंगी सर। एक तो पहला जो कि हर इंजीनियर मेरे हिसाब से करता है सर, हर डिपार्टमेंट में, कि सर जो ज्योमेट्रिक आस्पेक्ट्स हैं रोड डिज़ाइन में, जो
हमारे जो कहीं रह जाता है कि हम कारो नहीं दे रहे हैं या फिर हमने ठीक से जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको चिन्हित नहीं किया, और ये जो है कि हम ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है उसको हम प्रॉपर करें सर। बाकी दूसरा सर मेरा एक अप्रोच रहेगा कि मैं जिस सब डिवीज़न में मैं पोस्टेड रहूँगा सर, वहाँ पे सर जो स्कूल्स हैं या कॉलेजेज हैं सर, मैं वहाँ पे सर खुद कॉलेजेज में जाऊँगा, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाऊँगा सर, और कॉलेज में जो बच्चे हैं, क्योंकि यूथ देश का भविष्य है, और मुझे लगता है कि उनको मैं अच्छे से मेरी जो चीज़ें हैं समझा पाऊँगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से, कि इस तरह से हमारे देश में लगभग 1.5 से 2 लाख लोग हर साल मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग विकलांग हो जाते हैं, तो उनको मैं समझाऊंगा, वो अपने घर में जाके बताएंगे। और एक्चुअली सर इसमें जो डेथ का रेशियो हम देखेंगे तो उसमें यूथ का काफ़ी है, तो सर मैं उनको प्रॉपर जो सारी चीज़ें हैं कि हमें स्पीड लिमिट्स हैं, कहीं आप जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उन्हें कम करना चाहें। जी सर। और मान लीजिए आपको पीडब्ल्यूडी का एम बना दिया जाए। जी सर। सबसे पहले काम आपको क्या? सर सबसे पहले तो मैं डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने के बाद डिपार्टमेंट से फेमिलियर हूँ सर। एक किस पर्टिकुलर जगह आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा? रोड्स के ऊपर है जैसे आपने बोला अभी। जी सर। रोड एक्सीडेंट्स को मैं सुधारना चाहूँगा, तो किस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर आपका सबसे पहले वर्क करने की आपकी इच्छा हो? सर सबसे पहले तो किसी डिपार्टमेंट में हम जाते हैं तो सबसे पहले सर डिपार्टमेंट में टीम वर्क होता है, तो मैं मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे जो सीनियर हैं, जूनियर, उनके साथ कोऑर्डिनेशन अच्छे से बना पाऊँ। उसके बाद सर जो भी प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहे होंगे कंस्ट्रक्शन के, क्योंकि प्रोजेक्ट तो सर ऑलरेडी ऑनगोइंग होंगे और हम जाते ही कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर नहीं सकते, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के तहत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, तो जहाँ पे भी जो प्रोजेक्ट चल रहे होंगे सर मैं उसमें अपना 100% देंगे। प्रोजेक्ट का नाम बताएं, पीडब्ल्यूडी के जो भी चल रहे हैं सर, जो ऑनगोइंग है सर, ऐसे मैं पर्टिकुलर याद नहीं कर पा रहा, लेकिन सर रिंग रोड प्रोजेक्ट एक जयपुर में चल रहा है सर। रिंग रोड प्रोजेक्ट क्या है? सर रिंग रोड प्रोजेक्ट जो है सर, जयपुर जो एक राजस्थान का कैपिटल है सर, यहाँ पे हमारी जो कनेक्टिविटी है यहाँ से अजमेर के लिए है, दिल्ली के लिए है, टोंक रोड है और हमारा आगरा है सर, तो ये जो मेजर जो हाईवेज हैं इनका जो ट्रैफिक है वो हम सिटी में ना लेके और बाहर बाहर सिटी के पेरिफेरल में हम एक मतलब मेजर फ्लाईओवर भी हैं उसमें और ग्राउंड पे भी रोड इस तरह से बना रहे हैं ताकि सिटी में सर जो ट्रैफिक की समस्या है उससे हम नहीं जा पा लें सर। फ्लाईओवर और ब्रिज में क्या फ़र्क है? सर ब्रिज हम बनाते हैं जो हमारे जैसे कि रिवर है या जो जैसे सर हमारे वाटर स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है उनको पार पाने के लिए सर हम ब्रिज बनाते हैं, और जो सर इंटरसेक्शन पे हमारा जो ट्रैफिक होता है जैसे कि हमारा ट्रैफिक ऑलरेडी ऑनगोइंग ट्रैफिक है और वहाँ पे हमें 90 डिग्री पे या अदर एंगल पे हमें क्रॉसिंग करवानी है तो सर वहाँ पे हम फ्लाईओवर, उनको फ्लाईओवर बोलते हैं सर। थैंक यू सो मच मालाराम। जी सर। मालाराम जी मैम। मालाराम सबसे पहले तो आप अपने नाम का मीनिंग बताइए। मैम एक्चुअली माला मैम मेरा नाम रखा गया, उसकी मैं कहानी बताना चाहूँगा। एक्चुअली मैं जब मेरा बचपन में जब जन्म हुआ तो मतलब मैं थोड़ा सा जब मेरा जन्म हुआ तो मैं मतलब जो सामान्य बच्चे होते हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा मतलब मोटा था, मतलब मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा था मैं, और थोड़ा रंग मेरा काला था मेरी दादी जैसे बताती हैं। तो मैम ये मेरा नाम मेरी दादी ने रखा कि मैं थोड़ा सा हेल्दी था उस टाइम पे, तो मैम ये कारण है। बाकी माला जो हम स्वागत के लिए माला पहनाते हैं मैम वो माला है। राम माला राम मतलब कॉम्बिनेशन कैसे बना, मैं ये पूछना चाह रही थी बेसिकली। मैम एक्चुअली राम हिंदू धर्म में मैम एक मतलब आइडियल के रूप में हम मानते हैं, तो कोई बात नहीं। जी मैम। नेक्स्ट अपन प्रोसीड करते हैं। आप जयपुर के सराउंडिंग से बिलोंग करते हैं। जी मैम। जयपुर आपका विजिटेड है और जी मैम। चलिए आप मुझे बताइए कि जयपुर के अंदर कोई फ्लैट स्लैब का एग्जांपल, कोई पुराना जो मॉन्यूमेंट्स जयपुर के अंदर बने हुए हैं उसके अंदर कोई फ्लैट स्लैब का एग्जांपल आपके दिमाग में? फ्लैट स्लैब मैं ऐसा तो कोई याद नहीं कर पा रहा। मैं याद नहीं कर पा रहा जी। फ्लैट स्लैब के बारे में कुछ बताएंगे आप? मैम फ्लैट स्लैब में एक्चुअली जो बीम्स हैं वो हम नहीं देते, डायरेक्ट कॉलम पे हम स्लैब बनाते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो हम कॉलम हेड बना देते हैं। मैम आप अभी पोस्टेड हैं BSF में? जी मैम NDRF में मैम मुझे डेपुटेशन मिला हुआ है, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स में। ओके, आपका वर्क प्रोफाइल क्या है वहाँ पर? मैम एक्चुअली NDRF के बारे में मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाएँ कि मैम इंडिया में या फिर अब्रॉड भी
जितने भी नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स हैं, जैसे कि अर्थक्वेक है, साइक्लोन है, फ्लड है, लैंडस्लाइड्स हैं और सुनामी है, इस तरह के जो नेशनल कैलेमिटीज़ होती हैं उसमें हम NDRF रेस्क्यूअर का काम करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग क्लब्स हो गए, ब्रिज क्लब्स हो गए, तो इस तरह के जो होते हैं तो वहाँ पे मैम रेस्क्यू काम है, जो लोगों की जान बचाने का काम है वो हम करते हैं। तो मैम मैं टीम में एज ए सेफ्टी ऑफिसर की भूमिका निभाता हूँ मैं, तो सेफ्टी ऑफिसर का काम मैं अच्छे से बता पाऊँ उसके लिए एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैं। जैसे कि मैम कोई बिल्डिंग कोलैप्स हुआ अर्थक्वेक के दौरान, कि 4-5 बिल्डिंग कोलैप्स हुई, मतलब कि बड़े लेवल पर अगर अर्थक्वेक आया है, तो वहाँ पर जैसे ही हमारी टीम अप्रोच करती है तो मैम सबसे पहले जो सेफ्टी ऑफिसर है और जो टीम लीडर हैं वो सबसे पहले साइट पर जाएंगे, वहाँ पर इंसिडेंट का असेसमेंट करेंगे कि किस तरह के कोलैप्सेज हैं, बिल्डिंग्स जैसे कि स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं या फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, कि हम कहाँ से मैक्सिमम लोगों की जान बचा पाएँ। मैम तो मैम वहाँ पे ट्राइज एक हम करते हैं कि हमें सबसे पहले किस काम को प्राथमिकता देनी है, उस काम में मैम सेफ्टी ऑफिसर की काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। बाकी मैम जो हमारे पर्सनल्स होते हैं, जो रेस्क्यूअर्स होते हैं हमारे, उनकी सेफ्टी इंश्योर करना भी मैम सेफ्टी ऑफिसर की भूमिका। माला मैम, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो काम आप कर रहे हैं जी मैम, ये कोई भी एक नॉर्मल इंसान भी कर सकता है, मतलब अदर देन सिविल इंजीनियर? मैम आप अपना रोल वहाँ पे कैसे मतलब मानते हैं कि सिविल इंजीनियर की ही वहाँ पे जरूरत क्यों है इस काम में? सेफ्टी वाला जो आप अपना काम बता रहे हैं, वहाँ पे सिविल इंजीनियर ही क्यों रिक्वायर्ड है? वहाँ पे अदर पर्सन भी तो हो सकते हैं जी। मैम इसका मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो टीम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारी जो पूरी होल टीम, हम 45 की टीम होती है मैम, उसमें मेडिकल स्टाफ, इंजीनियरिंग स्टाफ और जो नॉर्मल सब तरह के होते हैं, ताकि किसी की कमी वहाँ पे ना रहे। तो मैम मुझे लगता है कि हम जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स हैं कि बिल्डिंग में कहाँ पे हमारे वॉइड्स होते हैं, कहाँ पे हम मतलब लोग अगर बिल्डिंग कोलैप्स होता है तो कहाँ पे मतलब जिंदा लोग होने की जो पॉसिबिलिटी है, उसको मैम हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें। उसके बाद अप्रोच, अगर मैम हम टेक्निकल पर्सन हैं, हमें पता है कि बिल्डिंग में हमें विंडो से हमें अप्रोच बनानी है या फिर हम रूप से कटिंग करके अप्रोच, वर्टिकल अप्रोच बनानी है, तो मैम मुझे लगता है कि वो एक आम आदमी नहीं कर पाएगा। जैसे कि ब्रिज कोलैप्स है मैम, तो ब्रिज कोलैप्स में काफ़ी हैवी जैसे कि गर्डर्स हैं, तो उनमें कहाँ से हमें जो मशीनरीज हैं उनका किस तरह से हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो कि हम क्विक और इफेक्टिव हम रेस्क्यू वर्क कर पाएंगे। चलिए मालाराम, क्या आप बता सकते हैं ये विंडो जो है ये किस टाइप की विंडो बनी हुई है? जी मैम बताएँ। मैम मैं अभी नाम याद नहीं कर पा रहा। नाम याद नहीं कर पा रहा। चलिए बहुत अच्छे। आप मुझे ये बताइए कि यदि बात की जाए फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, है ना जी, तो स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो यील्ड स्ट्रेस पे डिफाइंड होता है जी, है ना, और कंक्रीट के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो अल्टीमेट स्ट्रेस पे डिफाइंड होता है जी। ऐसा क्यों होता है? मैम हम स्टील में यील्ड स्ट्रेस पे कर देते हैं क्योंकि अल्टीमेट जो स्ट्रेस पॉइंट है मैम स्टील में, वहाँ तक जो हमारा स्ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है मैम, और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पे हम अगर हमारा फिर सर्विसबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं कर पाएगा मैम, हमारा जो बीम है या कॉलम है वो इतना मतलब लीन हो जाएगा कि वो फिर हम रहने लायक रहेगा ही नहीं, तो मैम हम फिर इसके अलावा कोई और रीज़न, ये कोई वैलिड रीज़न? स्टील मैम जैसे कि डक्टाइल मटेरियल है तो उसकी डक्टिलिटी ज़्यादा है, तो एक तो प्राइम तो मैम यही मैं अभी याद कर पा रहा हूँ। और कॉन्क्रीट के लिए बात की जाए तो कंक्रीट एक्चुअली मैम ब्रिटल मटेरियल है और कंप्रेशन स्ट्रेंथ इसकी अच्छी है, तो मैम उसके लिए हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। चलिए आप मुझे ये बताइए कि कोई भी मान लीजिए अपन कंस्ट्रक्शन करते हैं जी, है ना, तो उसके अंदर कौन सा टाइप ऑफ सेक्शन अपन प्रेफर करेंगे? मतलब अपने पास 3 टाइप के सेक्शन होते हैं, अंडर इन्फोर्स्ड, बैलेंस, ओवर इन्फोर्स्ड। मैम हम अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन को प्रेफर करेंगे। प्रेफर करेंगे जी मैम। ऐसा क्यों होता है? मैम ताकि जब फेल्योर अगर हमारा होता है तो वहाँ हमें वार्निंग मिले प्रॉपर, और हमारा सडन फेल्योर ना हो उसके लिए हम अंडर इन्फो सेक्शन प्रेफर करते हैं। आप मुझे बस एक और क्वेश्चन बताइए, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे जी मैम, कि अपन देखते हैं सराउंडिंग्स में अपनी जो पेमेंट्स होती हैं वो फ्लेक्सिबल टाइप की भी होती हैं और रिजिड टाइप की भी होती हैं, है ना, तो अपन कैसे इंश्योर करते हैं कि यहाँ पे अपन को फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ पेमेंट बनानी है या यहाँ पे रिजिड टाइप ऑफ पेमेंट बनानी है? जी मैम मैम इसके लिए हम हमारा जो मैम सबसे पहले तो हम देखेंगे कि किस तरह का हमारा पॉइंट्स बता दीजिए आप मुझे ओनली मैम, वहाँ का जो सबग्रेड का जो स्ट्रेंथ है मैम, एक तो वो हम उसको कंसिडर करेंगे। हाँ सबग्रेड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा
तो किसको प्रेफर करेंगे या कम होगा तो किसको प्रेफर करेंगे? मैम अगर हमारा सब ग्रेड कस्टम अच्छा है तो हम फ्लेक्सिबल पेमेंट को हम वहाँ पे प्रेफर करेंगे। बाकी मैम जैसे बजट हमारा इकोनॉमी किस तरह से है कि हमारा जो रिजिड पेमेंट बनाने में हमें ज़्यादा कॉस्ट लगती है मैम, तो उसको हम देखेंगे। बाकी मैम हम देखेंगे कि जो हाईवेज हैं कि जैसे कि हम जहाँ पे फ्रीक्वेंट रिपेयर मेंटेनेंस कर सकें वहाँ पे हम मैम फ्लेक्सिबल पेमेंट दे देंगे, और जहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म के लिए जैसे कि 30 ईयर्स तक हमें बना के और निश्चिंत होना है तो वहाँ पे हम रिजिड पेमेंट देते हैं। अच्छा, बिटुमेन का लाइफ स्पैन कितना होता है, बिटुमेनस पेमेंट का? 15 ईयर्स। 15 ईयर्स। क्या आपको लगता है कि लाइफ स्पैन 15 ईयर्स तक चलता है किसी भी बिटुमेनस पेमेंट का? जी मैम 15 ईयर्स तक, मतलब जैसे कि हम, वो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करेगा मैम। जैसे कि हम बात करें कि हमारे जो हाईवेज हैं, एक्सप्रेस हाईवेज हैं, तो वहाँ पे अगर हम प्रॉपर दे रहे हैं, सील कोड दे रहे हैं, प्रॉपर जो हमारा बिटुमिनस कंक्रीट हमने बनाया वो एज पर मिक्स डिजाइन बनाया, तो मैम वो चलेगा, नहीं तो फिर मैम हमें रिपेयर मेंटेनेंस करना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू मालाराम सर। जी मालाराम जी सर, तो सबसे पहले ये बता दीजिए आप अपने वर्क में आपका रोल क्या रहता है? जी सर, आपके जॉब में आपका रोल क्या है? सर मैं जैसे कि मुझे एज ए सेफ्टी ऑफिसर, सर वहाँ पे एक पोस्ट होता है, डिजाइनेशन है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ सर। तो सर हमारी जो पर्सनल्स हैं उनकी सेफ्टी इंश्योर करना वहाँ पे सर, अगर कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है हमारा, जैसे कि अभी रिसेंटली मैं एक कंस्ट्रक्शन, हमारा खुद का बिल्डिंग बन रहा था तो उस पर मैं काम कर रहा था, वो है सर। बाकी सर से अर्थक्वेक है और कोलैप्स स्ट्रक्चर्स होते हैं सर, तो वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर की प्राइम इम्पोर्टेंस है, ताकि बिल्डिंग में किस तरह के कोलैप्स पैटर्न्स हैं और कहाँ पे किस तरह की अप्रोच करके हम मैक्सिमम जो लाइव विक्टिम्स हैं उनको हम एक्सटिकेट कर सकें सर। कहाँ पे पोस्टिंग है आपकी? वेस्ट बंगाल? सर वेस्ट बंगाल में सर। वेस्ट बंगाल? कोलकाता में पोस्टिंग है सर मेरी। कोलकाता? जी जी। ठीक है, चलिए आप मुझे बता दीजिए वेस्ट बंगाल के अभी गवर्नर कौन है? श्री जगदीप जी धनखड़ है सर। चलिए ठीक है। कुछ पॉलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं? सर मैं जनरल जो न्यूज़पेपर है वो पढ़ता हूँ और मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सर। चलिए आप मुझे बता दीजिए वेस्ट बंगाल में पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट कब आई थी और किसकी आई थी? सर CPM की मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ, और कब आई थी सर इसका मुझे पूरा, मैं थ्रूली सर मैं मतलब वो नहीं करता थ्रू आउट। चलिए, ये अभी ममता बनर्जी जी? जी सर। कब से यहाँ पे CM है? सर इनका थर्ड टर्म है सर ममता बनर्जी जी का। कब से है CM? सर ऐसे भी मैं याद नहीं कर पा। ठीक है, अच्छा आपको क्या लगता है उनका रोल एज ए CM कितने मार्क्स दोगे आप? कब से ज्वाइनिंग है वहाँ पे आपकी? सर मैंने 2016 में ज्वाइन किया सर वहाँ। यानी अप्रोक्सीमेट 5 साल हो गया। उसी बीच में सर मैं 1.5 साल सिक्किम में भी रहा हूँ सर, मेरा कार्यकाल मैं सिक्किम में भी काम मैंने किया है सर। चलिए जी, तो सिक्किम बता दीजिए भारत का कौन सा राज्य बना था, भारत का कौन से नंबर का राज्य था सिक्किम? सर सिक्किम 1971 में जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर, सिक्किम का इंटीग्रेशन हुआ इंडिया में 1971 में सर। अच्छा, और सर एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है कि कितना नंबर पे सर इसका इंटीग्रेशन हुआ था। चलिए, इसके इंटीग्रेशन में सबसे बड़ा रोल आप प्ले जो हुआ था वो किसको आप देना चाहेंगे? सर मैं ऐसे भी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर कि उस टाइम की जो हिस्ट्री है सर वो मैंने अच्छे से नहीं पढ़ी। चलिए ठीक है, अच्छा हाँ, तो आप बता रहे थे ममता बनर्जी जी को कितना नंबर देना चाहोगे आप आउट ऑफ 10 एज अ CM? जी सर, सर मुझे लगता है कि जैसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो वहाँ के जो लोगों ने अगर उनको CM नियुक्त किया है तो आप अपना पर्सनल ओपिनियन बताइए। जी सर, सर मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो मतलब अच्छी वक्ता हैं, अच्छा उन्होंने काम किया है सर, उसी काम की बदौलत उनका उनको थर्ड टाइम वहाँ के लोगों ने चुना है, तो सर मेरे हिसाब से उनका जो है अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। बाकी सर दिक्कतें हैं कि बांग्लादेश बॉर्डर पास में है तो माइग्रेशन की प्रॉब्लम है, डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है सर इंडिया का वेस्ट बंगाल, लगभग 10 करोड़ आबादी है वहाँ की और बहुत ज़्यादा लैंड वहाँ पे है नहीं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्राइम है और कई सारी दिक्कतें हैं, लेकिन मैं उनका जो काम है वो सर काफ़ी अच्छा रहा है उसमें। तो मार्क्स कितने देना चाहोगे आप? सर सर 8 out of 10 सर। चलिए अच्छा, जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है जी सर, उसके बारे में क्या जानते हैं? सर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सर, जैसे कि हमारे देश में हम जैसे कि हम धर्म निरपेक्ष कंट्री हैं सर,
हमारे देश में कई सारे धर्म जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, यहूदी, सब तरह के धर्म के लोग हम रह सकते हैं, सबको आज़ादी है, वो अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं। तो सर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि जैसे हमारे अलग अलग धर्म के अलग अलग कुछ, जैसे कि शरिया कानून सर एक चर्चा में रहता है, तो वो इस तरह से अलग अलग बने हुए हैं सर। तो उसमें क्या है कि उसमें फिर दिक्कतें हो रही हैं सर, कि जैसे कि कुछ धर्म के लोग जो हैं कि वो तीन तलाक को हम अपने जो कानून है उसके तहत वैध मानते हैं, लेकिन सर वो ठीक नहीं है। तो इस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब सब देश के जो नागरिक हैं, सभी सिटीजन्स के लिए एक कोड होगा, वो सब पे वैलिड होगा सर। कौन सा आर्टिकल कहता है इसके बारे में? सर यूनिफॉर्म सिविल कोड का सर आर्टिकल का सर मुझे एग्जैक्ट आईडिया नहीं। आपके ओपिनियन में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, नेशनल यूनिटी के लिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, एज ए फोर्स पर्सन मैं वर्दीधारी हूँ, तो सर मुझे लगता है कि अच्छा स्टेप होगा सर। सर हमारे संविधान निर्माताओं ने भी इस दिशा में उस टाइम पे बोला था कि हमारी जो सरकार है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सोचें, तो वो वक्त आ गया है कि ठीक है कि अगर हमें सभी धर्मों को साथ लेके अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लागू करते हैं तो सर इसमें कोई आपत्ति नहीं है। चलिए अच्छा, भारत में बहुत सारी जनजातियाँ वगैरह हैं जी, ठीक है, कुछ ट्रिब्यूनल्स भी हैं ऐसा कुछ, ठीक है जी सर। और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है जी सर, तो एक अर्बन कैंडिडेट और एक जो जनजाति वगैरह के लोग हैं जी, उनको अगर एक कोड में आप रखोगे तो ये क्या उचित होगा? जी सर, इसके लिए हमारे संविधान में जो 9th शेड्यूल है सर, उसमें कुछ प्रोविजंस हैं, तो सर बिल्कुल ये जायज़ पॉइंट है कि हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं, मतलब जो अच्छे से अभी कनेक्टेड नहीं है, तो उनके लिए जो स्पेशल प्रोविजंस हैं सर, ताकि उनके कल्चर को हम बचा के रखें और उनको हम मेन स्ट्रीम में लेके आएँ, तो उनके लिए सर हम स्पेशल क्लॉजेज हम रख सकते हैं सर। चलिए, 9th शेड्यूल में जो टॉपिक है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं? सर सॉरी सर, मुझे इसके ठीक है, अब टेक्निकल क्वेश्चंस पे आते हैं जी सर। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए स्टैटिक लोड किसे कहेंगे? सर जो बिल्डिंग के जैसे सेल्फ लोड है, जो परमानेंट बिल्डिंग में आ रहे हैं सर, वो स्टैटिक लोड हो गए सर। जैसे कि सेल्फ लोड हो गया, या फिर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो परमानेंट लगा हो, जैसे कोई इंडस्ट्री है उसमें कोई मशीन लगी हुई है और वो मूवेबल नहीं है, हमने परमानेंट फिक्स कर दिया है काफ़ी लंबी पीरियड, तो वो सब स्टैटिक लोड में है। सेल्फ लोड की वजह से जो डिफॉर्मेशन आएगा जी सर, क्या एरिया पे डिपेंड करेगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया जी सर, क्रॉस सेक्शनल एरिया करेगा जी सर। चलिए, यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी जी सर, कैसे डिफाइन करोगे, क्या फिजिकल मीनिंग है इसका? सर ये जो हमारा सर ये रेशियो है नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन का, और ये सर हमारा जो हुक्स लॉ के अनुसार जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उसका जो स्लोप है वो डिनोट करता है सर यंग मॉडल्स का। फिजिकल मीनिंग क्या बताओगे? सर हमारा जितना ज़्यादा यंग्स मॉडल्स ऑफ प्लास्टिसिटी होगा उतना हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग होगा सर। स्ट्रॉन्ग होगा जी सर। चलिए, मेरा लास्ट क्वेश्चन है जी सर, कौन सा मटेरियल ज़्यादा टफ होता है, ब्रिटल या डक्टाइल? सर टफनेस की हम बात करें तो सर इसमें सर सर ब्रिटल मटेरियल टफनेस। कैसे आपने आइडिया लगाया? सर मैं इसमें सर जैसे कि टफनेस, सर टफनेस के लिए हम इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं सर, तो अभी सर मैं इसको जो हमारे एग्रीगेट्स हैं उसी के रिलेट कर पा रहा हूँ सर, बाकी सर डक्टाइल मटेरियल के लिए अभी रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ सर। चलिए ठीक है, कंप्लीट करते हैं आपके सेशन को जी सर, और आपको फीडबैक दिया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू सर। माराम जी सर, देखिए आप एच आर ऑन की बात करते हैं तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात जी मुझे नहीं ऑब्जर्व किया है। जहाँ तक क्वेश्चन आता है पॉलिटिकल साइंस, जो आपने बेसिकली किया है, आपने पॉलिटिकल किया है, डिप्लोमा किया है बेसिकली, उसका भी आपने अच्छा डिफेंड किया जी, कि जिस जो जैसा चाहता है वैसा कर सकता है जी, अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल सिचुएशन, जो चाहता है कि जल्दी मुझे करियर बनाना है तो डिप्लोमा कर सकता है, जो कि बिल्कुल सही जायज आंसर है जी सर। और इसे मेंटेन रखिएगा, कब है आपका इंटरव्यू? सर मेरा 22 को।
तो अच्छी बात है लेकिन आप डिफेंड काफ़ी अच्छा करते हैं कोई चीज़ मतलब क्वेश्चन को सर पूछा क्या आपको दिखाई दे रही है कमी दिखाई दे रही है आपने कहा कुछ कमी नहीं है सर अभी के लिए मैं उस बता नहीं पाऊंगा ये आपने जो आंसर दिया काफ़ी अच्छा आंसर ना कि आपने अपना क्या आपने ऐसा कहा ये गलती है वो गलती है ऐसा नहीं भी कहना चाहिए ठीक है बहुत अच्छी बात है बस इसे मेंटेन रखिए और आगे बढ़िए मालाराम जी मैम आपको अपने नाम का मीनिंग पता होना चाहिए आपने वो स्टोरी बताई वो ठीक है ओके जी मैम तो क्योंकि आपका नाम मैम एक्चुअली नाम इंटरव्यू पैनल के पास मैम नाम आजकल कॉन्फिडेंशियल रहता है तो नाम मुझे बताना होता है जी मैम वो ठीक है जी यदि वो ठीक है कि इंटरव्यू पैनल के पास आपका नाम नहीं जा रहा लेकिन ऑल एंड ऑल आपको अपने नाम का मीनिंग तो पता होना चाहिए फॉर योर पर्सनैलिटी जी है ना चलो यहाँ तो नहीं जा रहा लेकिन एटलीस्ट अपने आपको अपने नाम का मीनिंग पता होना चाहिए जिसको आप कैरी कर रहे हो पिछले 25-26 साल से तो मैम अगर आप मैम कुछ इस तरह का रिलेशन बना पा रही नया मैम मैंने एक्चुअली पहले भी क्वेश्चन नाम आपका है जी मैम पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है तो मैम मैं इतना ही बता पाता हूँ उसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं कि राम से लिंक करते हैं तो फिर राम पे थोड़ा चला जाता है तो मैंने वो तैयार किया है कि अयोध्या जो डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व आउट किया है उसके बारे में बाकी मैम फिर मैंने बहुत ज़्यादा इसलिए ध्यान नहीं दिया कि वहाँ पे इस पर डिस्कशन होगा नहीं कोई बात नहीं जी मैम चलिए बात करते हैं आपके टेक्निकल की तो टेक्निकल मतलब बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो काफ़ी अच्छा है जी तो उस चीज़ से इंटरव्यूअर आपके जो आंसर्स हैं मतलब उससे सेटिस्फाई हो जाता है जी ठीक है पर एक चीज़ मुझे लगी कि जैसे आप शुरू से ही बोल रहे हैं कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो हाईवे में रहा है ना आप ऐसे बोल रहे हैं शुरू से ही बोल रहे हैं मतलब जब आपकी सर से बात हो रही थी लेकिन जैसे ही मैंने अपना क्वेश्चन पुटअप किया बहुत बेसिक क्वेश्चन था मेरा है ना उसको आप आंसर नहीं कर पाए मैम रिजिड और फ्लेक्सिबल पेमेंट वाला जी मैम वो उसका आप आंसर नहीं कर पाए तो थोड़ा सा मुझे ये लगा कि आप शुरू से ही बोल रहे हैं कि मेरा इंटरेस्ट रहा है हाईवेज में और फिर आप एक बहुत बेसिक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए मैम ये दिमाग में आया भी नहीं इस पर मैंने काम भी नहीं किया इसको मैं जरूर जाके सुना है ना क्योंकि ये मैम इसके क्या दे सकते हैं जैसे कि इम्पोर्टेंट मैम थोड़ा सा मुझे देखिए एक तो बेसिकली तो बात हो गई कि मेंटेनेंस की है ना जो आपने पॉइंट इंक्लूड कर लिया था वो ठीक था कि जो बिटुमिनस पेमेंट्स होती है उनमें हम मेंटेनेंस कर सकते हैं इजीली है ना और जो रिजिड पेमेंट्स होती है उसमें मेंटेनेंस करना बहुत ज़्यादा टिपिकल रहता है फिर दूसरी चीज़ कि रिजिड पेमेंट वहाँ क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पर बिटुमिनस नहीं कर सकते क्योंकि जहाँ पर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है जी है ना तो वहाँ पर हम रिजिड पेमेंट फॉलो करते हैं जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है ताकि क्योंकि बिटुमिन जो होता है वो वाटर से लिंक बना पाता नहीं है वहाँ पे वो डैमेज ज़्यादा देगा है ना कोस का फैक्टर है ठीक है ये चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं इसको करके 65 पॉइंट बना सकते हैं है ना और बात की जाए एक अब मेरा क्वेश्चन वो रह गया था पूछना क्योंकि थोड़ा सा टाइम का लिमिट था ये कि आप एक्सीडेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे थे बहुत ज़्यादा कि एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं ऐसा कुछ बोल रहे थे आप सर से बात कर रहे थे तो आपसे एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है यदि ये वर्ड आपके उस मेन इंटरव्यू में आया कि कोलिजन्स को रोकने के मेन रीजंस क्या हो सकते हैं क्योंकि आप एक सिविल इंजीनियर हैं ट्रांसपोर्टेशन में आपको ये चीज़ पढ़ाई जाती है कि कोलिजन को कैसे कम से कम करना है मिनिमाइज करना है तो ये आपसे पूछा जा सकता है यदि आपका ये पॉइंट आपने रखा वहाँ पर तो मैम मुझे लगता है कि ये मुझे रखना चाहिए अब इसके बारे में आपसे भी राय लेना चाहूँगा कि मैंने एक तो स्कूल वाली जो अप्रोच है कि मैं बच्चों को अच्छा। जाके और कॉलेज में इस तरह से करके वो अप्रोच एक मेरी जो टेक्निकल अप्रोच है वो उस पर तो बताएंगे तो बेहतर है जी सर है ना तो यही पॉइंट थे मेरी तरफ से सर जी बाकी सब कुछ अच्छा है आपका बट मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा जी कि आपने मेरे क्वेश्चंस में और मैम के क्वेश्चंस में एचआर में तो आप मना नहीं कर सकते बट मेरे और मैम के क्वेश्चंस में आपने एक बार भी नहीं कहा सॉरी सर इसका जवाब नहीं आ रहा है ठीक है ना तो ज़रूरी नहीं है आप सारे क्वेश्चंस का आंसर दो अगर आपको जवाब नहीं आ रहा है तो मना भी कर सकते हो ठीक है ना जैसे एक दो क्वेश्चन मेरे गलत जवाब दिए आपने ठीक है ना तो वो चीज़ आप थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर लो आप कि गलत जवाब देने से बचना है आपने को जैसे कि सर कौन कौन से क्वेश्चन स्टैटिक लोड के बारे में अच्छे से डिफाइन नहीं किया आप जी सर ठीक है ना तो ये चीज़ें थोड़ा सा और माइल्ड और डक्टाइल वाला भी आपने गलत सॉरी डक्टाइल और ब्रिटल वाला भी गलत बता दिया आपने वो सेल्फ वेट वाला भी गलत हाँ सेल्फ वेट वाला भी था ठीक है ना मतलब वो एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा ठीक है सर वो मैं कोशिश करूंगा कि मना कर दूं वैसे मैं कोशिश करता हूं कि जो नहीं आ रहा उसको सॉरी बोल सकते हैं सॉरी बोलना गलत बात बाकी सब कुछ सही है आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है क्वेश्चन अच्छे से फेस कर रहे हो आप अच्छे से रिस्पांस कर रहे हो आई कांटेक्ट अच्छा बना हुआ है आपका ये सब चीज़ें अच्छी है आपके पॉजिटिव है ठीक है बाकी सर जैसे कि मैं एक दो क्वेश्चन मेरे जानना चाहूँगा कि मैम जो यहाँ पे क्यों आना चाहता हूँ मैं एक तो मैंने सर उस क्वेश्चन को किस तरह से डिफेंड किया
और उसको मैं कैसे उसको मैं साइन कर सकता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का बनेगा ही बनेगा कि आप तो वहाँ पे। आपने पॉइंट बहुत अच्छे हैं आपके पास। सबसे पहला पॉइंट कि ये AEN का पोस्ट है जी सर, मैं अपग्रेड हो रहा है, हायर ग्रेड पे बोल सकते हैं ना सर। सर मैंने रिसेंटली अभी सर दो मिनट आप देंगे, मैंने अभी रिसेंटली एक और कोचिंग में दिया था तो उन्होंने बोला कि आप ग्रेड पे वाला पॉइंट मत रखो। तो सर रियलिटी तो ये है कि हर ग्रेड पे है, नहीं ग्रेड पे वाली बात नहीं रखना है, अब हायर पे पक्ष हायर पोस्ट पोस्ट रखना। कहीं कहीं वो आपको फाइनेंशियली वो दिखता है कि आप कहीं ना कहीं पैसों के चक्कर माना चाहते हो, अब बोले पोस्ट हायर है, पोस्ट हाई होगा तो पे हाई होगा, तो पैसे पे नहीं जाना है, पोस्ट पे आप बता। बाकी सर एक डिप्लोमा और जैसे कि मैं डिप्लोमा ये बता सकता हूँ सर मैं, हाँ कोई दिक्कत, वहाँ पे मैं डिप्लोमा से मेरा रिक्रूटमेंट हुआ है और मेरे पास हायर एजुकेशन है। और दूसरा ये भी बता सकते हो कि आप सभी लोग होम टाउन में रहना पसंद करते हैं, आप अपने शहर में अपने राज्य में रह के काम करना चाहते हो, आप जी भी अच्छा पॉइंट है। हाँ जेन्युइन पॉइंट है सर ये, वैलिड रीजन तो यही है, आप सच्चाई तो यही है सर। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप बता सकते हैं। बाकी सर जॉब का जो मतलब मेरे क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैंने सर ठीक से डिफेंड किया नहीं किया, मुझे लग रहा है उसको और काम करना। अच्छा बताया आपने, क्वेश्चन जो आपने रोल बताया आपका जी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.